गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम क्लास फोर्थ में ईवीएस में पढ़ेंगे पार्ट पांच अनीता की मधुमक्खियां। क्लास पढ़ेंगे प्यारे बच्चों पार्ट पांच अनीता की मधुमक्खियां। मेरा नाम कुशवाहा है, मैं मुजफ्फर जिले के बोचाहा गांव में रहती हूँ, जो बिहार में है, जो बिहार में है। मेरे घर में माँ, पिताजी और दो छोटे भाई हैं। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, और स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हूँ, है ना। मैं मतलब की पालने का काम भी करती हूँ, है ना। अरे मेरा नाम अनीता कुशवाहा है, मैं जो है जो बिहार में है। मेरे घर में माँ पिताजी और दो छोटे भाई हैं। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं मधुमक्खी पालने का काम करती हूँ, ठीक है ना। इतना सब का पाना मेरे लिए आसान नहीं था। जब मैं छोटी थी तब मैं दिन भर पकड़ियाँ जाती थी। मेरा भी स्कूल जाने का मन करता था, पर माँ और पिताजी को नौकरी में जाना पसंद था। मेरा भी मैं छोटी थी बकरियां चराती थी, दो बच्चे स्कूल जाते थे। मेरा भी मन चलता था कि मैं भी स्कूल जाऊं, लेकिन जो उस समय लड़कियों को स्कूल जाना मना था, मेरे माता पिता नहीं भेजते थे। मेरा भी मन होता था स्कूल जाना एक सपना था, मेरे लिए स्कूल जाना एक सपना था। एक दिन मैंने स्कूल के अंदर झांक कर देख लिया कि बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो हमने देखा कि हम भी खास इस प्रकार से स्कूल जाते तो हमें भी अच्छा लगता, लेकिन हमारे माता पिता नहीं जाने दे रहे थे। बच्चों को देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं सकी और बच्चों की कतार में पीछे जाकर चुपचाप बैठ गई। मुझे बहुत अच्छा लगा, और जो है मैं घर जाते अपने मैंने अपनी हिम्मत करके माँ पिताजी को स्कूल के बारे में बताया। उन्होंने मुझे जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया, उन्होंने स्कूल जाने के लिए मना कर दिया। उस दिन मैं बहुत रोई। मेरे गाँव के टीचर ने माँ पिताजी को समझाया कि पढ़ाई करना कितना जरूरी है। उन्होंने बताया कि पढ़ाई करना कितना जरूरी है। उन्होंने बताया कि आठवीं कक्षा तक की पढ़ाई पर कोई खर्चा नहीं होता है। उन्होंने बताया कि आठवीं कक्षा तक की पढ़ाई में कोई खर्चा नहीं होता है। पढ़ना तो सब बच्चों को अधिकार है, मुझे पता नहीं कैसे पर माँ पिताजी मान गए। मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। स्कूल में बहुत ज्यादा नंबर तो नहीं लाती थी, पर टीचर की बहुत खुशी थी। मैं ज्यादा नंबर तो नहीं लाती थी, टीचर की बहुत खुशी थी। किताब रहा स्कूल के सभी कितना खर्चा हिसाब लगाया, एक साल में कितना खर्चा होता है स्कूल जाने में, कापियां में, अन्य पेंसिल पेन, यूनिफार्म, इस प्रकार से बस्ता खाने का डिब्बा बनते ही होगा, इस प्रकार जो है ये सब मैंने आइडिया लगाया। तो इस साल कितने रुपए स्कूल की कापियां खरीदी हैं, आप देखें अपने आप को कितने कापियां खरीदते हैं। तो अपने स्कूल के यूनिफॉर्म पैसे चाहते हो इसे कापी में बनाकर रख करो। बच्चे जो अपने बना रहे स्कूल के लिए यूनिफॉर्म की जाए इस बात पर बात हुआ तो यूनिफॉर्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना। स्कूल में देखते ही देखते 5 साल बीत गया, मैंने 5वीं कक्षा पास कर ली। देखते देखते 5 साल बीत गया, मैंने 5वीं कक्षा पास कर ली। मुझे पता नहीं चला कि 6वीं कक्षा में खर्चा बढ़ जाएगा। माँ पिताजी ने कहा कि स्कूल छोड़ो, पर मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मैंने हर पूरी किया, मैं अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी। उससे मुझे जो पैसे मिलते थे, मैं अपनी आगे की पढ़ाई कर पाई।
थी उससे जो पैसा मिलता था उससे जो अपने खर्चा कराते थे स्कूल का उस खाते में जाते थे। मेरे देखकर गांव के लोग बात इसकी पूरी ईर्ष्या करने लगे, मेरे बच्चों को ट्यूशन में जो आते थे वो सोते रहे और मैं बार बार प्रकार के समाज में जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उस गांव के बड़े लोग भी बच्चों को पढ़ाते थे, मेरे बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं आया क्योंकि मेरे पास आने वाले बच्चों को डराना शुरू कर दिया, बच्चों को जो मतलब पढ़ने आना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद काफी बच्चों की लौट आए, उनको मिल गया उसे बच्चे गए, फिर गए बच्चों मैं बड़े प्यार से पढ़ाते थे, फिर वो वापस लगे और मेरे लगे। क्या तुम कुछ लोगों को जानते हो जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन अपनी पढ़ाई को नहीं कर पाते, उनके बारे में बताओ। क्या तुम जानते हैं ऐसे बच्चे हैं जो मन से पढ़ना चाहते हैं कुछ कारण बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसका कुछ कारण है? ऐसे कुछ बच्चों को आप जानते होंगे, क्या कारण है ऐसे बच्चों के बारे में बताइए। ऐसे बच्चों हर बच्चे का हक है कि आठवीं तक अच्छी पढ़ाई कर सके। क्या सभी बच्चों का अधिकार होता है? हर बच्चों को है कि आठवीं तक की पढ़ाई आप जो है मुफ्त कर सकते मुफ्त में पढ़ सकते हैं क्योंकि बच्चों का अधिकार है, हर चीज आपको मिल सकते हैं। धीरे धीरे मैंने गांव वालों को समझाना शुरू किया, सभी लड़कियों को स्कूल भेजो और घर में जो ने माता पिता जी ने मेरी मदद करना शुरू कर दी, घर का सारा काम मुझे पढ़ने के लिए काम कम जाता था। धीरे धीरे गांव में मेरे लड़कों को समझाने लगे स्कूल भेजिए और मेरे माता पिता जी भी मेरा सहयोग करने लगी, जिससे मैं आगे अपना काम जो है से करे और मुझे सहयोग मिलने लगा। स्कूल से मधुमक्खी पालन तक फिर मैंने जो मधुमक्खी पालने का कुछ मार्ग लगाया। हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं, हमारे इलाके में बहुत से लीची के पेड़ हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, लीची के जो फूल हैं वो मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं। इसलिए यहाँ लोग मधुमक्खियों को पाल कर शहद बनाने का भी काम करते हैं, यहाँ लोग मधुमक्खियों को पाल करके शहद बनाने का भी काम करते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी यहाँ काम करूँ, क्यों मैं भी ये काम कर लूँ। तब मैंने गांव में मधुमक्खी पालने के सरकारी कोर्स भाग लिया और मैंने गांव में मधुमक्खी पालने का एक सरकारी कोर्स भाग लिया। कोर्स भाग लेने वालों में मैं अकेली लड़की थी, ट्रेनिंग को मुझे बताया गया कि अक्टूबर से दिसंबर तक समय मधुमक्खी के अंडे देने का भी होता है। मधुमक्खी के अंडे देने का समय सब होता है अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खी अंडे देने का होता है। मधुमक्खियों को पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है, मधुमक्खियों को पालने का सबसे अच्छा समय जो बच्चों यही होता है। क्या तुमने कीड़ों के फूलों पर आते देखा है? उनके नाम पता क्या होगा, उनके बराबर पता ही नहीं है ना। अनीता मधुमक्खी पालक, मैंने मधुमक्खी पालने का कोर्स कर लिया लेकिन अपना काम शुरू करने के लिए मेरे पास रुपए नहीं। मैंने मधुमक्खी पालन करने का कोर्स कर लिया लेकिन मुझे काम शुरू करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैंने कुछ समय तक इंतजार किया और बच्चों को पढ़ाकर 5,000 रुपए बचाए। इन रुपए को मैंने मधुमक्खी पालने के 2 बक्से खरीदे, मैंने बच्चों को पढ़ाकर 2 जो है बक्से खरीदे जिसमें जो है और जो है जिससे जो है बक्से खरीदे उसमें से हमें जो है 2,000 रुपए एक बक्से की कीमत 2,000 रुपए दे बाकी बचे मीठा गोल चीनी जमते हो बात करनी को दवाइयाँ खरीद ली। सितंबर का महीना था, सितंबर तक मेरे पास इतनी मधुमक्खियाँ हो गई कि 2 बक्से कम पड़ने लगे। मेरे पास इतनी मधुमक्खियाँ हो गई कि 2 बक्से कम पड़ने लगे। मुझे मधुमक्खी के बारे में इससे ज्यादा अनुभव नहीं था और कई बार मधुमक्खी मुझे काटा भी इससे मेरा 13 और 8 दिन बहुत बड़ा और कहते जिसे काम को मैंने अपनी इच्छा से किया था। बहुत कठिनाइयाँ मुझे मधुमक्खियाँ काटा भी बहुत कठिनाइयाँ आई, फिर भी मैं जो है ये काम मैंने अपनी इच्छा से शुरू किया था, इसलिए जो है मैं लगी गए और उसको आगे बढ़ते रहे।
मतलब तुम्हारे आसपास के इलाके में रोटी काटने पर क्या लगाते हैं, और रोटी काटने में क्या लगाते हैं ना, चूहा लगाते हैं ऊपर है और जो है लोअर लगते हैं है ना, और मक्खियों का चित्र काफी बनाव होता है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं, लीची के फूल कब खिलते हैं, फरवरी में खिलते हैं। मैंने अपने चारों बच्चों को लीची के बगीचे में रखा, मुझे हर वक्त 12 किलो का रख दिया, चारों बच्चों कहाँ रखा, लीची के बगीचे में रखा, और जो है हर एक वक्त 12 किलो का रख दिया, जो मैंने बाजार में बेचा मुझे अपनी कमाई मिली, और मेरे पास 20 पक्के अनिता भी है। मैं रोज साइकिल से कॉलेज जाती हूँ, कॉलेज गांव से 5 किलोमीटर दूर है, शहर में है। जब मैं कॉलेज जाती हूँ तो माँ मधुमक्खियों के लिए चीनी का बहुत प्यार करती है, पिताजी मधुमक्खियों की देखभाल करते हैं और बच्चों का ख्याल रखते हैं। अब तक अनिता को अपनी तरह से जान गए होंगे, आस पास सभी गांव के लोग उसे पहचानते हैं, वह गांव की सभी बैठकों में जाती हैं और लोगों को जाती हैं, पढ़ना सबसे बहुत होती है, कुछ लोग को उस पर हंसते हैं, हंसते भी हैं, लेकिन अनिता को अपना काम करना चाहते हैं। सभी लोगों के पास गाँव जाती हैं, बच्चों को समझाती हैं कि पढ़ना कितना अनिवार्य है, पढ़ने से बच्चों को क्या विकास होता है, हमें काम